पंडित जी, वैसे तो देखा गया है कि करियर की वजह से शादियां आजकल थोड़ी देर से ही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत अच्छे ढंग से प्लान करते हैं अपनी लाइफ को और चाहते हैं कि 25-26 तक शादी हो जाए। क्या कोई ऐसी उपाय है जिससे सही उम्र पर 25-26 साल में अगर वो चाहें तो विवाह हो जाए? देखो, ऐसा है अभिलाषा, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ये एक नीति का वाक्य है जी। कि यद्यपि शुद्ध हो लेकिन अगर लोक मत के विरुद्ध हो तो न उसको करो न उसका आचरण करो। पहले ज्योतिष शास्त्र में, आज के 20-30 साल 40 साल पहले जब हम लोग ज्योतिष सीखते थे जी। तो उस समय ज्योतिष में मानसागरी में, पराशर होरा में, जातका भंडार में, जातका अलंकार में ये चीज़ें लिख के आती थी, कैसे बच्चे का विवाह 7 वर्ष के उम्र में होगा, 9 वर्ष के उम्र में होगा, 11 वर्ष के उम्र में होगा, 13 वर्ष के उम्र में होगा। तो क्या आज वो बातें प्रासंगिक हैं? बिल्कुल नहीं। जब बाल विवाह होता था तो उस समय शादी के ऐसे योग बनते थे और उन योगों को लोग बताते थे, लेकिन आज तो किसी की शादी की कल्पना भी 20 साल की उम्र के नीचे करना बेवकूफ़ी है जी। तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए ज्योतिषी को चाहिए कि कहाँ पर आप ज्योतिष देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं कि गांव में देख रहे हैं। अगर गांव में देख रहे हैं तो थोड़ी सी कम उम्र में शादी होने की बात आप कह सकते हैं, शहर में देख रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा उम्र में शादी की बात आप कर सकते हैं, विदेश में देख रहे हैं तो कोई उम्र की बात ही नहीं है जी। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी भी सही समय से हो जाए या 26 साल से पहले हो जाए, क्योंकि 26 साल से गृहस्थ आश्रम शुरू होता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होते ही आपका विवाह हो जाए या उससे पहले हो जाए, तो गुरुवार को पीले रंग के कपड़े आपको जरूर पहनना चाहिए, शिव और पार्वती की एक साथ पूजा करनी चाहिए। वागर्था विषम पृक्तौ वागर्था प्रतिपक्तये जगतः बंदे पितरौ पार्वती परमेश्वरौ, और शिव पार्वती को एक ही फूलों की माला पहनाना चाहिए। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का यथा संभव जप करना चाहिए। ये उपाय 3 महीने तक करने के बाद विवाह के क्षेत्र में सफलता मिलती है। और जो लड़कियां, जो कुमारी कन्याएं बिना विवाह के अभिलाषा के भी होश संभालते ही भगवान शिव की भक्ति में लग जाती हैं, भगवान शिव को जल दूध बेलपत्र से नित्य पूजा करती हैं, सुंदर घी का दिया जलाती हैं और ओम नमः शिवाय का जप करती हैं, भगवान शिव का ध्यान करती हैं, ऐसी कन्याओं को दिव्य तेजस्वी योग्य होनहार देवतुल्य वर की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में अखंड सौभाग्यवती का उन्हें वरदान भी भगवान शिव की तरफ से अवश्य मिलता है। और जो महिलाएं पूरे जीवन सोमवार का व्रत करती हैं वो सदा सुहागन रहती हैं, वो कभी विधवा योग को प्राप्त नहीं होती हैं, उनके पति के जीवन के रखवाले भगवान शिव स्वयं बन जाते हैं। तो इसलिए कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत अमृत के समान लाभकारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।